हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो भी हम पेंट में काम किए रहते हैं या स्केच किए रहते हैं, यदि हम पर्टिकुलर लाइन या जो भी स्केच हम बनाए रहते हैं उसको यदि हमें रिमूव करना है, मिटना है, उसे हटाना है, यदि बाय मिस्टेक वह लाइन बन गई है तो उसको हटाना है उस जगह से, तो हम यहाँ पे उसे जो है हटाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इरेज़र को। इरेज़र जो होता है वह किसी अपने जो बैकग्राउंड में काम किए हुए जो लाइन होते हैं, एक्स्ट्रा लाइन, उसको रिमूव करके आसानी से हटा देते हैं। तो हम चलिए यूज़ करते हैं इरेज़र को, क्लिक करते हैं। और इरेज़र को क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से इसे वो कर सकते हैं। अब इरेजर करने से पहले हमें ध्यान देना है कि हमें ये वाले कलर को यूज़ करना है इरेजर में। ये जो ये है कलर टू, ये कलर वन है, बैकग्राउंड का कलर है, ये कलर वन है, बैकग्राउंड का कलर था। और जब हम इरेजर के लिए यूज़ करते हैं तो ये कलर टू है, तो इसमें भी यही कलर हमको डालना पड़ेगा। दोनों ब्रैकेट में हमें एक ही टाइप का कलर लेना पड़ेगा इरेजर करने के लिए, तब हमें ये उसी कलर में ये इरेज होगा और हमें पता नहीं चलेगा कि हम कौन से लाइन को यहाँ से हटा रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए एक्स्ट्रा लाइन था तो हम इसको हटा रहे हैं यहाँ से, ताकि हम सूटेबल कर सकें। तो इस तरीके से एरेस किया जाता है जो भी लाइन, अगर एक्स्ट्रा बन गया है तो आसानी से एरेस करके उसको हटा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं जितना चाहे उतना यहाँ पे, और कंट्रोल यहाँ से हम देखकर इसको वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एडजस्ट करके इसको एरेस कर सकते हैं जो हमें लाइन एक्स्ट्रा बन जाती है उसको। तो आज के लिए बस इतना ही।